देखिए भाई, ये मरघट वाले बाबा जी हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर बालाजी महाराज का जमुना जी के ऊपर। और ये साथ में है कौन सी दुकान, राम कचौरी वाले की, राम कचौरी वाले की दुकान है। इसने अभी अभी स्विगी से ऑर्डर किया है मटन कोरमा और दो खमीरी रोटी नज़ीर फूड से करोलबाग से, और कह रहा है अंदर सप्लाई करो मेरे को आप ये ऑर्डर। पर्सनल मैटर में सर इसको यही दिखाया जा रहा है कि इसको दुकान पे लाया गया और मंदिर प्रांगण में लाया गया, यही तो दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसी को तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, ये है नज़ीर फूड का ऑर्डर जो अभिषेक शर्मा ने मंगाया था राम कचौरी वाले ने। इस पर लिखा है साफ साफ मटर कोरमा चॉइस टू पीसेज और बटर नान। ये देखिए, ये दिन में तो प्रसाद बेचते हैं मंदिर के सीमा में बैठ के, और रात को मटर कोरमा खाते हैं आराम से। ये देखिए इनवॉइस नंबर, ये इसकी आईडी है जिसने ऑर्डर दिया है। हमें यहाँ से बिल्कुल नस्तो नाबूद करने की तैयारी चल रही है कि किसी भी तरीके से मंदिर से इनको हटाया जाए। वो तो चौड़े होके कह रहा है ऑडियो में कि मैं तो 365 दिन मंगा के खाता हूँ। हेलो, हाँ जी भैया। अरे मेरे भाई, क्या हुआ, मैंने भूल दिया, मेरी बात हो गई है। तो भैया ठीक है, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो कंपनी ने कैंसिल नहीं किया ऑर्डर अभी तक। अच्छा चलो ठीक है मेरे भाई, आराम से ही बोल ले। हाँ जी भैया, आराम से ही बोल ले यार, इतना औखा क्यों बोल रहा है यार तू। नहीं भैया, काफी देर से बात करूँ, कंपनी से गला दर्द हो गया बात करते करते, आपकी तो एक ही बोल आई है अभी तक। मैं भैया आपसे ये बोल रहा था, बताओ बात क्या है भैया दिक्कत। देखो बात ना, वो ना मंदिर की ना चार दीवारी के अंदर है दुकान, नहीं तो मुझे बाहर ऑर्डर देने में दिक्कत नहीं होती। आप बाहर में से ऑर्डर लेते ना तो दिक्कत नहीं थी आज। हाँ जी भैया, भाई इनसे अपने कंपनी से ये पूछो आप कि मेरी समरी चेक करें, मैं तो 365 दिन मंगाता हूँ। आप 365 दिन भैया मंदिर के बाहर यहीं दुकान पे ऑर्डर मंगाते भैया? अंदर यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। अच्छा, तो भैया है तो मंदिर की चार दीवारी के अंदर ही दुकान, राम कचौरी वाली आपकी हुई तो दुकान है ना? आगे चल के मंदिर आगे चल के भाई, यहाँ से 150 मीटर आ गया। 150 भैया, दो कदम पे भैया मंदिर है, 100 हाँ, दो तीन कदम भैया, कोई बात नहीं है ना भैया, दो कदम तेरे साथ कोई बात नहीं। क्योंकि भैया आप देखो भैया, आप खुद भी सोचो मंदिर के अंदर दुकान है और आप भैया इतने पुराने बैठे हो राम कचौरी वाले, आप प्रसाद और साथ सब बनाते भैया उसी दुकान में, उसी दुकान के अंदर मीट लेके आना ठीक नहीं देता ना भैया मेरे हिसाब से। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, देख लो ठीक है भैया, मैं तो नहीं लेके आ सकता भैया मंदिर के अंदर, तो भैया मीट कोई दिक्कत नहीं भैया मेरे को। कोई बात ठीक है भैया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्राचीन और प्रसिद्ध मरघट वाले हनुमान मंदिर के बाहर। दरअसल मामला ये है कि मंगलवार रात और बुधवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर एक मामला सामने आता है। मामला ये है कि इस मंदिर परिसर में ही एक जो दुकान है, जो राम कचौड़ी के नाम से मशहूर दुकान है, वो काफ़ी फेमस दुकान है, उस दुकान का एक एम्प्लॉई या उस दुकान से संबंध रखने वाला, उसका मालिक भी हो सकता है या मालिक का लड़का होगा, अभिषेक शर्मा उसका नाम बताया जा रहा है, स्विगी पर एक ऑर्डर करता है नज़ीर फूड करोल बाग से, वहाँ से एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर होता है एक मटन कौरमे का और दो बटर नान का, और वो ऑर्डर की डिलीवरी करवाई जाती है इसी मंदिर परिसर में जो उनकी दुकान है वहाँ पर। अब ये पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में जब हमने तस्दीक की और पूरा मामला जो सामने आया तो वो इस तरह से है कि जो डिलीवरी करने आया था, जो स्विगी का डिलीवरी बॉय था, उसकी भावनाएं जागी होंगी, उसका ज़मीर जागा होगा कि आखिर फूड को डिलीवर करना तो उसका पेशा है, लेकिन उसने ये सोचा कि मंदिर परिसर के अंदर एक दुकान का मालिक ही मंगलवार रात को मटन कौरमे का और बटर नान का ऑर्डर करता है, तो ये उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उसे लगता है कि ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ का, मजाक का विषय है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो ऑर्डर दिया था वो इसी मंदिर परिसर के अंदर एक दुकान चलाता है, वहाँ से कचौड़ी और सवा मनी और यहाँ से
प्रसाद वितरित होता है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का जो ऑब्जेक्शन रहा होगा बिल्कुल जायज़ रहा होगा, उसकी अंतर आत्मा ने जो उसको गवाही दी होगी तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर संतुष्ट होगा इस बात को उजागर करने के लिए। तो अब वो डिलीवरी बॉय उस पूरे प्रकरण का एक वीडियो बनाता है, वो बताता है कि ये ऑर्डर मुझे डिलीवर करने को बोला गया था, इस जगह पर डिलीवर करने को बोला गया था, वो पूरे वीडियो को कैप्चर करता है और सोशल मीडिया पे डाल देता है। अब वो पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया पे आता है तो पूरा हंगामा मच जाता है कि आखिर हिंदुओं की भावनाओं के साथ ही इस तरह का भद्दा मजाक आखिर हिंदू ही क्यों करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि यही काम किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने किया होता तो कई धार्मिक संगठन इस बात को बहुत बड़ा तूल दे देते, इसके बारे में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए जाते और इसको बहुत बड़ा सा सरोकार बना दिया जाता धार्मिक आस्था से। लेकिन ये काम करने वाला कोई और नहीं था, एक अभिषेक शर्मा नाम का व्यक्ति था। शर्मा यानी के पंडित, यानी के वो व्यक्ति निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ होगा और उसकी प्रवृत्ति होगी कि वो मांस मदिरा का सेवन करता होगा। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है कि वो क्या खाता है क्या पीता है, लेकिन अगर वो धार्मिक परिसर के अंदर इस तरह की घटना करता है तो निश्चित तौर पर वो निंदनीय है और उसकी आलोचना होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं पूरा मामला, और अगर बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से भी, हम देख सकते हैं किस तरीके से। अभी ये मंदिर बंद है, ये 4 बजे खुलेगा, लेकिन इस मंदिर की मान्यता, इस मंदिर का महत्व इतना है कि लोग अपनी भावनाओं को, अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए यहाँ पर इस मंदिर परिसर के बाहर बैठकर भी पूजा अर्चना करते हैं, उसका पूरा मान मर्यादा को फॉलोअप किया जाता है। लेकिन इसी बीच में अगर इस तरह के व्यक्ति जो इस मंदिर परिसर के अंदर अपना व्यवसाय करते हैं और इस मंदिर परिसर के कारण ही उनका 2 वक्त की रोजी रोटी चलती है, गुजारा चलता है, तो वो अगर इस तरह का कुकृत्य करते हैं, अकृत्य कार्य करते हैं और इस मंदिर के अंदर ही अगर मांस मदिरा का प्रयोग होता है और खाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसी बीच में हमारे साथ में इस दुकान के मालिक पवन शर्मा जी मौजूद हैं और चलिए बात करते हैं और इनका वर्जन भी जानने की कोशिश करते हैं। पवन जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप गलती स्वीकार करते हैं, जो अभिषेक नाम का लड़का है, अभिषेक शर्मा, वो आपका बेटा है। सर वो बेटा है लेकिन उसको गलत प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या गलत है उसमें? ये गलत दिखाया जा रहा है कि दुकान पे मंगवाया है। सर कोई भी आदमी अपने डिलीवरी एड्रेस तो यही है सर, डिलीवरी एड्रेस तो इसलिए देना पड़ेगा कि वो पॉइंट पर आएगा वहाँ पे, लेकिन उसके लिए गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, उसको वो पार्किंग में रखवाने के लिए बोल रहा था। जो भी तो आप ये भी बोलेंगे कि उसने अपने लिए नहीं मंगवाया था वो नॉनवेज? नहीं नहीं, मटन कोरमा अपने लिए क्यों नहीं बोलेंगे सर? मतलब अभिषेक शर्मा मटन कोरमा खाता है, ये बात मानते हैं आप? उसको आज से करीब 15 साल पहले टांग में जो फ्रैक्चर हुआ था उसके लिए उसके शरीर में कमजोरी है, जिसके लिए उसको कमजोरी की वजह से उसको खाना पड़ता है। लेकिन लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं सर, लेकिन आप मंदिर परिसर में आपका व्यवसाय है, मंदिर परिसर से आपका रोजगार चलता है, आपके साथ 10-15-20 लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, बावजूद इन सब के भी अगर आपकी दुकान से नहीं सर, दुकान नहीं, दुकान का ही तो नहीं है यही, तो दुष्प्रचार की बात है। मंगलवार को तो यहाँ पर हनुमान भक्तों का तांता लगा हुआ है। दुष्प्रचार जो ये किया जा रहा है ना कि ये दुकान के अंदर मंगाया है, ये दुकान के अंदर नहीं है, यहाँ से 200 मीटर दूर है पार्किंग, वहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसने उसको बोला वहाँ पार्किंग में रखवा दे मेरा। मतलब रूटीन में ऑर्डर करते थे? नहीं, रूटीन में सर कौन खा सकता है, इतने दिन रूटीन में कोई खा सकता है? तो ये तो मतलब मामला प्रकाश के अंदर आया तो आपने कह दिया कि जी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के लिए मंगवाया था? नहीं 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 सर, यहाँ पर नहीं मंगवाया। नहीं सर, प्रकाश के लिए नहीं, प्रकाश के मामले के लिए नहीं। कोई भी व्यक्ति, हम तो फिर भी हिंदू सनातनी हैं, कोई भी व्यक्ति मंदिर परिसर में छोटे से छोटा भी जो बच्चा खाना पीना वो आपका पर्सनल मैटर है, हम भी मानते हैं पर्सनल मैटर से मतलब नहीं है ना कि आप नहीं, आप वो आप कुछ भी खाइए पिए, लेकिन मंदिर परिसर और मंदिर प्रांगण के अंदर अगर इस तरह की बात होती है तो निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। पर्सनल मैटर में सर इसको यही दिखाया जा रहा है कि इसको दुकान पे लाया गया,
और मंदिर प्रांगण में ला गए। यही तो दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसी को तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में नहीं आया है, दुकान पे नहीं आया है, ये वहाँ यहाँ से 200 मीटर दूर पार्किंग है, उसके अंदर रखा गया था। पार्किंग तो सर यहाँ पे देखिए सर सामने आए आप, देखिए कितनी 200 मीटर से ऊपर होगी, आगे होगी। यही दुष्प्रचार और यही हमारे खिलाफ, जब आदमी दो पैसे कमाने लगता है तो सब उसके पीछे लग जाते हैं। ये हमारे हमारे और हमारे परिवार के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये निकल के आएगा। किसने करवाया ये षड्यंत्र बता सर? ये यही तो जांच का विषय है, इसके लिए हम लीगली एक्शन लिया है हमने। तो आपने कोई इसके बारे में कंप्लेंट करी अभी तक? जी कहाँ पर कंप्लेंट करी? जी कंप्लेंट करी है हमने और इसके लिए नहीं अभी नहीं तो उसके लिए लीगली जो है कार्रवाई चालू है हमारी और इस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये जो इसी की जो वॉइस मैसेज का थोड़ा जवाब दे दीजिए, जो वॉइस आ रही है उसमें कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है उसमें आपके लड़के से बात होती है? अभी वो मेरे संज्ञान में नहीं आई है कौन सी आई है, कौन सी वो वीडियो वायरल हुई है, लेकिन इसमें आप विश्वास मानिए कि ये हमारे खिलाफ़ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें यहाँ से बिल्कुल नस्तो नाबूद करने की तैयारी चल रही है कि किसी भी तरीके से इस मंदिर से इनको हटाया जाए। ये जी आपको पता लगा इस घटना के बारे में तो कितना आपको दुख हुआ? नहीं सर दुख तो है, ये चीज़ गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है ये चीज़ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मंदिर में बैठा और फिर नहीं करना। इस पूरे मुद्दे को लेकर जहाँ चर्चाएं चल रही हैं वहीं इसी बीच में हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं, इनका रोष भी है और इनसे चलिए बात करते हैं और पूरा मामला जानते हैं। सर जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव पत्रकार महोदय। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, जो भी ये घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मंदिर प्रांगण के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति मांस मटन शराब और सिगरेट की बात करता है, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को भी बताया कि यहाँ पर खुले में सिगरेट भी पीते हैं, तो अगली बार आपको यहाँ पर मैं बोर्ड लगाता हुआ दिख जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोर्ड में यही लिखा जाएगा कि धूम्रपान करना और यहाँ पर कोई भी नशे का पदार्थ लाकर इस्तेमाल करना और लाना जो है वो गलत है, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब दो दिन, एक दिन पहले की घटना है, कल मैंने न्यूज़ में देखा था तो सुनने में आया कि यहाँ एक व्यक्ति ने जो है वो मटन वगैरह कुरमा वगैरह मंगाया और उसकी उसने डिलीवरी बॉय को भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि जिसने इतनी हिम्मत दिखा के उसकी ऑडियो बनाई, फिर वीडियो बनाई, फिर उस पैकेट की भी दिखाई कि भैया मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊँगा देने, तो ये भी उसको धन्यवाद है कि एक हिंदू होने के नाते वो मंदिर के अंदर जो है वो मांस नहीं लेकर आया, नहीं तो 2 मिनट लगते आप और अब यहाँ खड़े नहीं होते। वो ला के पकड़ाता और वो तो चौड़े होके कह रहा है ऑडियो में कि मैं तो 365 दिन मंगा के खाता हूँ। हालांकि जो दुकानदार है, दुकानदार का कोई रोल नहीं, दुकानदार ने कह दिया कि वो एम्प्लॉई हमने भगा दिया है, वो माफ़ी मांगता हूँ, यहाँ से चला गया है। तो ऐसे में आप मंदिर प्रशासन की क्या जिम्मेदारी? मंदिर प्रशासन की जिम्मेवारी ये है कि यहाँ बोर्ड होने चाहिए कि शराब पीना, मांस मटन खाना और मुर्गा बकरा हो, बीड़ी समाकू सिगरेट हो, जो भी हो, वो इस कैंपस के अंदर अगर कोई चरस गायला अफीफ वाला व्यक्ति दिख गया, पीता हुआ नशा करता हुआ दिख गया, तो उसके ऊपर जो है कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर होता है भावना का केंद्र। और साथ में जो बालाजी महाराज की जो शक्ति है उसके अंदर तो ये भी माना जाता है कि लहसुन प्याज तक लोग नहीं खाते। बिल्कुल भाई साहब, देखिए अंडे तक की भी बात नहीं कर सकते, लहसुन प्याज की नहीं कर सकते हैं, और वो चैलेंज कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग है सबके पास, डरा हुआ है वो भी। देखिए मगर भाई साहब इसका मतलब ये तो नहीं है फांसी दे दें उसको, मुझे तो देश में और भी बहुत है। अब गलती करी है तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहेंगे। बहुत से लोग ऐसे जो पहले खाते थे अब उन्होंने छोड़ दिया है और आज वो बालाजी के पक्के भक्त बन गए हैं, तो क्या मंदिर प्रशासन उनको ये कहता है कि भैया पहले तुम खाते थे? नहीं, उनके फादर साहब ने तो माफ़ी मांग ली है, वो कह रहे बच्चा देखो अगर उनके फादर साहब हैं तो वो पिता तुल्य व्यक्ति हैं, हमारी भी उम्र में बड़े होंगे, तो देखिए अगर मैंने क्या बताया कि माफ़ी मांग ली, अगर कोई बंदा गलती करके माफ़ी मांग रहा है तो उसको हमने भी चेता के छोड़ दिया। अगर कोई चौड़ा हो जाए कि हाँ मैं खाऊंगा भैया मेरी दुकान है या मैं करूंगा, तुम रोक सको तो रोक लो, तो फिर जो भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाएगा, क्योंकि ये मंदिर नहीं है भाई साहब, ये मंदिर है, ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आप बाहर बैठ के कुछ भी करो, आप दिल्ली में कई करोड़ दुकानें हैं, लाखों दुकानें हैं, वहाँ बैठ के कोई शाम को शराब पिए, मुर्गा खाए, बकरा खाए, कोई भी गलत काम करे, आप जाते हैं उसके पास? नहीं जाते। उसने अपने यहाँ भी मंदिर बनाया होता होगा, मगर ये मंदिर प्रशासन का क्षेत्र है, बाउंड्री है ये पूरी, और इसके अंदर कोई गैर संवैधानिक काम होगा जो संविधान नहीं कहता, या कोई ऐसा काम हो जो हमारी आस्था के खिलवाड़ के साथ हो, क्योंकि ये जो लोग आते हैं ना भंडारा खाने, प्रसाद खाने, ये लोग यहाँ पर प्याज और लहसुन की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये महाकाल, ये बालाजी महाराज का मंदिर है और बालाजी तो वैसे ही बाल ब्रह्मचारी है, तो वो इन चीज़ों को तो भैया वो बहुत ज़्यादा इस मामले में, हम लोग अपने धर्म के लिए भाई साहब एकजुट हैं, हमें पता लगा, हमें बड़ा दुख लगा, धन्यवाद आपके चैनल का। ऐसी कोई दोबारा घटना होगी तो उसके लिए चिन्हित करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी घटना थी तो हमने इन्हें सतर्क कर दिया।
यानी कि जिस तरीके से पूरा मुद्दा गरमा चुका है और इसका अंत किस तरीके से होता है, ये क्या एक मानवीय भूल है या इसको एक गलती स्वीकार करके और अपनी भूल की माफ़ी मांगकर अगर मामला हल होता है तो उसको सुलझाया जाना चाहिए या इस मामले को और बढ़ाया जाना चाहिए, ये निर्भर करता है आप पर, हम पर और हम सभी पर। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।